हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आशा करते हो आप लोग सब बढ़िया होंगे। हम भी मस्त हैं और व्यस्त हैं अपने कामों में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं आज बहुत लेट उठी हूँ, 8 बजे। तो 8 बजे उठी हूँ इसलिए क्योंकि कल बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया था, तो थकान भी हो गई थी। और सोते सोते 12 बज गए थे। हस्बैंड तो 10:30 बजे चले गए थे, नाइट ड्यूटी थी क्योंकि, और जस्ट अभी आ रहे हैं वो। अभी क्या मतलब 5:30 बजे आए, मुझे पता ही नहीं चला कि कब आए वो, क्योंकि नींद इतनी ज़्यादा आ रही थी। तो बस अभी 8 बजे उठी हूँ। चलिए फिर फटाफट से फ्रेश वगैरह तो सब कुछ हो चुका है, अब नाश्ता वगैरह की तैयारी करती हूँ। फिर उसके बाद झाड़ू पोछा करूँगी और फिर अच्छे से सफाई करूँगी बाद में, क्योंकि पहले पूजा करने के लिए फिर मुझे वो करना पड़ेगा, नहाना धोना पड़ेगा। तो पहले फटाफट से झाड़ू पोछा वगैरह करते ना और नाश्ते की तैयारी करते, फिर काम वगैरह सब कुछ होगा जो भी है। बेडशीट वगैरह, मैट वगैरह धोने का काम, जो भी है सामान अस्त व्यस्त करा है हस्बैंड जी ने मेरे, तो इसको समेटूंगी फिर इसको फटाक से सही से लगाऊंगी। तो चलिए फिर मिलूंगी आगे आपको ब्लॉक में। अच्छा, शायद कोई भाभी बुला रही है क्योंकि उनको कहीं जाना था, तो उन्होंने बताया था कि हेलमेट चाहिए होगा, तो मैं वो देने चाहती हूँ। चलिए फिर मिलती हूँ आपको मैं थोड़ी देर बाद ब्लॉगिंग में। तो तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 4 और जस्ट लंच वगैरह सब अभी किया है क्योंकि लेट ही बनाया, नाश्ता भी लेट किया था, फिर लंच भी हमने लेट ही किया और सफाई भी कर रही थी। तो एक कमरा तो सेट कर दिया है मैंने, ये देखिए बेडशीट वगैरह सब कुछ कर दिया है मैंने, अलावा मतलब ये गद्दे वगैरह सब धूप में डाले थे तो बस अभी लगाए हैं, खाना खा के ही लगाए हैं। बाकी पूरा इधर सेट कर दिया है। बाहर का है, बाहर का मैं करूँगी फिर दोबारा से झाड़ू पोछा लगाऊंगी, मतलब पोछा लगाऊंगी, झाड़ू वगैरह सब कुछ हो चुका है। बाहर की बेडशीट वगैरह लगाती हूँ बॉक्स वगैरह में। तो ऐसा ही रूटीन आज थोड़ा सा मतलब बिजी है आज। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में, नहाने धोने के बाद ही मिलूँगी। अब तो बर्तन भी हैं तो बर्तन वगैरह धोती हूँ, पानी भी ख़त्म हो चुका है तो पानी अब आएगा, उसके बाद ही धुलेंगे बर्तन। अभी भी नहीं धुलेंगे बर्तन क्योंकि थोड़ा बहुत रखूँगी टंकी में, क्योंकि ख़त्म मतलब बहुत हल्का पानी चलने लगा है यार। काव्यांश, हेलो काव्यांश, हेलो कर दो, हेलो कर। चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में, मतलब नहाने धोने के बाद। ठीक है, बने रहे मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। तो शाम के हो गए हैं 6, सुबह 6, और मैं अब जाके नहाई हूँ, कपड़े वगैरह धोए और जो वैसे थे मैट वगैरह वॉशिंग मशीन वगैरह में डाली है मैंने, क्योंकि पानी भी आता है। तो अभी नहाई, फिर कपड़े जो हाथ वाले थे वो हाथ वाले धो दिए, और बाकी मशीन में जो होती जैसे कालीन वगैरह थी वो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दी है, ये बहुत गंदी हो रही थी। और बेडशीट वगैरह तो हाथ से धो रही थी तो वो सूख भी गई जल्दी, आजकल गर्मियों का दिन है तो जल्दी सूख जाती हैं। और अब मैं बनाने लगी हूँ चाय, चाय रखी हुई है तो डालती हूँ उसमें। तो बस यही था भीगा आज का डेली रूटीन, है ना। आगे देखते हैं रात को क्या होता है। वैसे रात को एक दीदी है, उन्होंने डिनर में बुलाया तो शायद वहीं जाए हम आज डिनर में, तो वहीं जाएंगे। तो फिलहाल अभी हम मार्केट जा रहे हैं, कुछ काम था, जैसे पुराने वुराने कपड़े थे तो उनकी दरी बनवानी थी, तो उस दरी को बनवाने जाएंगे शायद शायद, क्योंकि अभी हस्बैंड ने बोला, मेरा कंफर्म नहीं है कि मैं लेके जाऊँ तो मैं वहाँ। तो फिर देखते हैं, जाते ही नहीं जाते हैं, तो जाएंगे तो पता चल जाएगा और अगर नहीं जाएंगे तो भी पता चल जाएगा। तो फिर बाकी सेटअप दिखाती हूँ मैं आप अपना, मतलब मैंने आज करा। तो ये बेडरूम इस तरीके से सेट किया इस तरीके से। तो बस बाकी 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 क्या, आप चाय बन गई, चाय पियेंगे फिर उसके बाद पूछती हूँ जाना है कि नहीं जाना है, फिर देखते हैं आगे का कार्यक्रम, है ना। मेरे साथ मेरे ब्लॉग में चलने, ठीक है, आगे मिलते हैं। और अभी हस्बैंड कर रहे हैं कार की सफाई, तो आती हूँ वो भी मैं आपको। चाय रख दी है मैंने बनाने,
सफाई कर रहे हैं और साथ में काफी अंश भी लगा है, बाकी ये कपड़े धोने डाले, धो के डाले इधर उधर। वैसे तो सुबह मतलब दिन में धो रही थी और जो पानी आया था तो उस टाइम में धो रही थी, लेकिन नाई वगैरह नहीं थी तो नाना धोना हुआ तो कपड़े वपड़े अब धोए। तो गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी गुड़गांव में, अपने यहाँ तो वेदर ठीक था बट यहाँ पे गर्मी भी चल रही। आराम से चलिए, फिर मिलती हूँ बाद में आपको, अरे मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। हेलो, तो बस पहुँच गए हैं अमन दीदी के घर में, जो बता रही थी कविता दीदी, इनको तो आप जानते हो, आती रहती है हमारे घर पे हमेशा। नहीं नहीं नहीं, तो आज हम इनके घर में आए, ये हैं इनके हस्बैंड जो कि अभी कुकिंग कर रहे हैं, मेरे तो चलिए फिर थोड़ा सा गपशप लगाते हैं, फिर ब्लॉग बनाते हैं बाद में, है ना। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। चलिए तो अब घर चलते हैं वापस, डिनर वगैरह सब कुछ हो गया है और दीदी ने बहुत अच्छा मटर मशरूम बनाया था, बहुत टेस्टी लगा। चिकन उन्होंने बनाया, टेस्ट नहीं किया हमने, किया था बट नंबर ले गया मटर मशरूम। तो चलिए फिर अब चलते हैं घर के, और खाना पीना सब कुछ हो गया। चलो फिर कब है, चलो हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज है दूसरा दिन और कल हम जहाँ गए थे तो आए और फिर लेट गए, तो इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाई। तो अभी सुबह के हो रहे हैं 6:30, हस्बैंड ड्यूटी जा चुके हैं, नाश्ता वगैरह सब कुछ पैक वैक कर दिया है उनके लिए, तो चले गए हैं। और अब मैं बनाने लग गया हूँ काव्यांश के लिए, क्योंकि आज हमें कहीं जाना है, तो फिर उसके लिए मैं ब्रेकफास्ट पैक ही कर रही हूँ, क्योंकि वो सुबह उठ के एकदम से नहीं खाता है, तो फिर मैं बना रही हूँ उसके लिए नाश्ता। और क्योंकि हम लोगों के लिए तो करेले की सब्जी थी तो करेला नहीं खाता, तो उसके लिए कुछ अलग ही बना रही हूँ। तो बहुत जल्दी हो रही क्योंकि मुझे निकलना है 7:30 और 6:30 हो रहे हैं, तो मुझे फटाफट से उसके लिए बनाती हूँ, फिर झाड़ू पोछा वगैरह करके फिर निकलती हूँ। और दिन के लिए यहाँ पे दाल वगैरह भी रख दी है, क्योंकि फटाफट वहाँ से आऊँगी तो फिर दाल वगैरह बने मतलब बॉयल रहेगी, तो एकदम फ्राई करके उसके चावल वगैरह चढ़ा दूँगी। और चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, इस कल के ब्लॉग को या इसको मैं एक साथ मिक्स करके मतलब ब्लॉग बनाऊंगी। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।